डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेनजीर भुट्टो का बायोग्राफी। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम इस चैप्टर में, हमारा चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है, और हम इस चैप्टर में दो पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसके मतलब डिफरेंट पॉलिटिशियन के, किस किस टाइम में किसका दौर था, ठीक है, और उसने किस किस तरह के इकदाम किए, कौन सी ऐसी खास बात थी जो उनके दौर में हुई, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसका दौर डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने दौर पढ़ा था किसका, भुट्टो का, ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो का। उसके बाद हमने किसका दौर पढ़ा, ज़ियाउल हक़ का दौर पढ़ा था, ठीक है, और फिर हमने किसका दौर पढ़ा था, फिर हमने जुनेजो का दौर पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम किसका दौर पढ़ने जा रहे हैं, अब हम बेनजीर भुट्टो का दौर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेनजीर भुट्टो का दौर कब स्टार्ट हुआ था, दिसंबर 1988 से कब तक, अगस्त 1990 तक, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये सारी चीज़ें ना बड़े गौर से सुनी है, ठीक है, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, और आपका इस क्वेश्चन में नोट भी आ सकता है, ठीक है, किस पे के मतलब बेनजीर भुट्टो के पहले दौर पे क्या करें, नोट लिखें, ठीक है। तो इसलिए ना काफ़ी इंफॉर्मेटिव है ये, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस करते हैं वो ये है कि 1988 में क्या हुए थे, इंतखाबात हुए थे, ठीक है, और फिर क्या हुआ था, फिर ये हुआ था कि 31 दिसंबर 1988 को फैसला किया गया था, क्या फैसला किया गया था कि क्या किया जाए कि बेनजीर भुट्टो को वजारत दी जाए, ठीक है। और फिर क्या हुआ था, 2 दिसंबर 1988 को बेनजीर भुट्टो क्या बनती थी, मुल्क की वजीर आजम बनती थी, ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्या हुआ था, पहले 1988 में इंतखाबात हुए थे, फिर क्या हुआ था, 31 दिसंबर 1988 को ये फैसला किया गया था, और 2 दिसंबर 1988 को बेनजीर भुट्टो क्या बन गई थी, वजीर आजम बन गई थी, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे मुल्क में मतलब पाकिस्तान में ये पहली फीमेल थी, ठीक है, जो क्या बनी थी, वजीर आजम बनी थी, ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और ये बेनजीर भुट्टो का पहला दौर है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे मैं हम बात करें उसके बारे में, अहम वाक़ियात के बारे में, ठीक है, कि बेनजीर भुट्टो के दौर में कौन कौन से अहम वाक़ियात रोनुमा हुए, ठीक है, और किस किस तरह। पहले सबसे डियर स्टूडेंट्स, हम जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या है, वो ये है कि बलूचिस्तान असम्बली की बरतरफी और बहाल, ठीक है, क्या बलूचिस्तान हुकूमत असम्बली की बरतरफी और बहाली, ठीक है। पहले सबसे हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या था। तो 1988 में क्या था, बेनजीर भुट्टो का उनके दौर की इब्तदा हुई थी, ठीक है, और वजीर आला था जो कौन, मीर जफरुल्लाह खान, ठीक है, कि कहने पर बलूचिस्तान के गवर्नर मोहम्मद मूसा ने बलूचिस्तान असम्बली बरतरफ कर दी थी। किसने बरतरफ की थी, मोहम्मद मूसा ने, किसके कहने पे, मीर जफरुल्लाह खान के कहने पे, ठीक है, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इस इकदाम को गैर आइनी करार देते हुए असम्बली दोबारा बहाल की थी। लेकिन फिर क्या किया था, बलूचिस्तान की जो हाई कोर्ट थी उसने क्या कहा था कि ये इकदाम क्या है, गैर आइनी है, ठीक है। आगे समझिए स्टूडेंट्स, कब हुआ था ये किया था किसने, जो वजीर आला थे, ठीक है, मीर जफरुल्लाह खान के कहने पे बलूचिस्तान का जो गवर्नर था ना मोहम्मद मूसा, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, बलूचिस्तान असम्बली बरतरफ, ठीक है, लेकिन क्या हुआ था, दोबारा से ये क्या बहाल हो गई। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम बात करेंगे किसके बारे में, सदारती इंतखाबात के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, सदारती इंतखाबात के बारे में। तो इसमें क्या है, इसमें ये था कि दिसंबर 1988 को कब हुआ था, 1988 को गुलाम इसहाक खान और नसरुल्लाह के दरमियान क्या हुआ था, सदारती इंतखाब हुआ था। किस कब हुआ था ये, 1988 में हुआ था, ठीक है, 1988 में हुआ था, और किस किसके दरमियान हुआ था, ये हुआ था इसहाक, गुलाम इसहाक और नसरुल्लाह के दरमियान, ठीक है, और इस इंतखाबात में कौन जीता था, गुलाम इसहाक खान कामयाब हुए थे और उनके क्या बने थे, सदर बने थे, ठीक है। अब हम डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं किसके बारे में, दौलत मुश्तरीका में दोबारा शमूलियत के बारे में, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें ये था कि आपने पीछे हमने वायदा पढ़ा है सीटों और सेंटों, ठीक है, उसको मैंने आपको काफ़ी मतलब डिटेल से उसमें सारा कुछ बता दिया था कि सीटों क्या था, मतलब ये दोनों वायदे थे, ठीक है, और सीटों वायदा जो है ना वो उसके एक साल बाद सेंटों भी हुआ था। सीटों में 8 मालिक थे, सेंटों में 5 थे, 5 में से 4 मुस्लिम थे और एक जो है वो यूके थे,
इनमें क्या था, उनका एक फायदे में ये था कि रशिया को क्या करना है, उनमें जो जितने भी कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट की साइड आने से रोक रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या था दूसरे में, सेंटर में क्या था कि जो आई कंट्रीज हैं ना चाइना को और रशिया को उनके पास जाने से रोक रहे हैं, ठीक है। आई कंट्रीज मतलब आई कंट्रीज जो है ना उनको सेव रखना, ठीक है। और ये थे फायदे थे, ठीक है। अब क्या हुआ था कि जब आपको पता है कि पिछले दौर में क्या हुआ था कि जुल्कार भुट्टो के दौर में, जुल्कार ज़ियाउल हक के दौर में क्या हुआ था कि उन दोनों मायदों से भी जब अफगानिस्तान वाला वाकया हुआ था ना, ठीक है, जहाद अफगान हुआ था, तो फिर मुसलमानों ने उन दोनों मायदों से भी क्या बरतरफी हासिल कर ली थी। तो इसी तरह दौलत कुछ तरीका से भी कर ली थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ था बेनज़ीर के दौर में दोबारा से उन्होंने ये दौलत मुफ्त तरीका में दोबारा से जो है ना वो क्या किया था, दोबारा से स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट अब हम बात करते हैं किसकी सोने की बरामद बंदी का हाथ में, ठीक है। तो इसमें क्या है सोने की बरामद बंदी के हाथ में कि क्या था कि बेनज़ीर का पहला वो दौर है जिसमें क्या किया गया था कि सोने की बरामद पर क्या की गई थी, पाबंदी लगा दी, ठीक है। उससे क्या हुआ था, उससे ये फायदा हुआ था कि मुल्क में स्मगलिंग जो है ना हमारी मतलब बोर्ड की स्मगलिंग वो क्या हो गई थी, बंद हो गई, ठीक है। उससे काफ़ी फायदा हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, उसके बाद हम बात करते हैं पीपल्स वर्क प्रोग्राम, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें एक मतलब कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। तो उस कमेटी में क्या किया गया था, डिफरेंट वर्कर्स मतलब सारे मिल के तो उनने एक मतलब बहुत से लोगों को मिला के एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। और उस कमेटी में क्या किया गया था कि उस कमेटी के लोगों ने काम करना था किसके लिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए, मतलब किसी भी तरह का अगर उन्हें कोई इशू हो जाता है तो वो सॉल्व आउट करना ये था, ठीक है। तो इस कमेटी ने भी काफ़ी फ़ायदा दिया था हमारे लोगों को। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम बात करते हैं किसके बारे में, भारत के साथ एटमी तंजबात पर हमला ना करने का मामला, ठीक है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत का मसला मतलब स्टार्ट से चल रहा है, पर इस गेम में जब हम थे तब से हिंदू मुसलमानों के ये मसले चल रहे हैं। तो फिर हम लोग मतलब क्या हुआ कि इस गेम में क्योंकि हम लोग इकट्ठे रह रहे थे, ठीक है, पहले मुसलमानों की हुकूमत थी, फिर अंग्रेज़ों ने हुकूमत कर ली और फिर मुसलमानों ने दोबारा से आज़ादी हासिल की, ठीक है। तो अब फिर तब हिंदू क्या चाह रहे थे, हिंदू ये चाह रहे थे कि अंग्रेज़ चाहते भी क्या करें, हुकूमत उनको देते जाए, लेकिन मुसलमानों ने क्या किया था अपनी कोशिश मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत जदोजहद की, और मुसलमान एक अलग मतलब हासिल करने में कामयाब तो हो गए, लेकिन मतलब हिंदू इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। वो मान ही नहीं रहे थे, अलग मुल्क भी बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ मतलब इस चीज़ को फिर आगे से जब रियासत मतलब रियासतें जो है ना उनका वो चुनाव किया गया कि कौन सी रियासत किस मुल्क के साथ होगी, कौन से किसके साथ, तो उसमें भी बहुत से इशू हुए, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा इशू हमारी रियासत कश्मीर का है, ठीक है। तो इसमें मतलब कश्मीर का सबसे बड़ा इशू है। तो तब से लेके अब तक भारत जो है ना मतलब वो पाकिस्तान और भारत के ये मसले चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यह था कि इसमें अब जाहिर सी बात है कि एडमी उनसे बात भी चल रहे थे, तो फिर इसमें क्या हुआ कि भुट्टो के दौर में फिर ये चीज़ जो है ना इस पर कंट्रोल किया गया। और वो किस तरह से कंट्रोल किया गया, वो इस तरह किया गया कि जो सार्क कॉन्फ्रेंस है ना वो हुई थी, कि इस मौके पर क्या हुआ कि जो भारतीय वजीर आजम राजपूत गांधी थे ना वो पाकिस्तान आए, ठीक है। तो इन्होंने 31 दिसंबर पूछा जा सकता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन 31 दिसंबर 1988 को बेनज़ीर भुट्टो से मुज़ाकरात किए, ठीक है, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक के वज़राए आला ने क्या किया, एक दूसरे की एटमी तंसीबात पर हमला ना करने का वादा किया, ठीक है। कब ये वायदा हुआ था, 31 दिसंबर 1988 को, ये भी 1988 को, 31 दिसंबर 1988 को ये वायदा हुआ था, ठीक है। तो इस फिर डे स्टूडेंट अब हम किसके बारे में बात करते हैं, ये क्या थे, ये अहम वाक़ात थे, ठीक है, किसके दौर के, बेनज़ीर भुट्टो के दौर के वाक़ात थे, ठीक है। जब उनका पहला दौर हुकूमत आया था ना तब ये सारे वाक़ात हुए थे। तो डे स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि बेनज़ीर हुकूमत का खात्मा कैसे हुआ था, ठीक है। स्टार्ट तो हमने देख लिया कि कब हुआ था, 1988
पाएंगे, और ये कब दिसंबर 1988 को ये चीज़ डिसाइड की गई, इस चीज़ का फैसला लिया गया कि अब वज़ीर आज़म किसको बनाया जाएगा, ये वज़ीर भुट्टो को बनाया जाएगा, ठीक है। और फिर 2 दिसंबर 1988 को क्या हुआ था, बेनज़ीर भुट्टो जो है वो क्या बनी थी, हमारे मुल्क की वज़ीर आज़म बनी थी। और फिर ये हमने जो सारी चीज़ डिस्कस की, ये क्या थे उनके दौर के अहम वाक़ात थे, ठीक है। तो उसमें हमने सबसे पहले जो चीज़ पढ़ी थी वो क्या थी, बलूचिस्तान असम्बली की बरतरफी और बहाली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि सदारती इंतबात कैसे हुए, ठीक है, फिर दौलत मुश्तरीका में दोबारा शमूलियत कैसे की गई, फिर सोने की बरामद और पाबंदी का खात्मा कैसे हुआ, फिर पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम किया गया, ठीक है, फिर क्या है भारत के साथ एटमी तनसीबात पर हमला करने का मायदा हुआ, ठीक है। तो अब ये स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि बेनज़ीर हुकूमत का खात्मा कैसे हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि ये कैसे हुआ था। तो ये ऐसे हुआ था कि 6 अगस्त 1990 को जो पाकिस्तान के सदर थे ना, सदर कौन थे उस टाइम, गुलाम इसहाक थे, ठीक है, कौन थे, गुलाम इसहाक, ठीक है। 6 अगस्त 1990 को बेनज़ीर हुकूमत पर जमहूरी रवादारी की पामाली और अख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया गया था, ठीक है, उन्हें सभी तोड़ दी और बेनज़ीर हुकूमत को बरतरफ कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने गुलाम मुस्तफ़ा जो है ना नजरान थे वज़ीर आज़म मुकर्रर किए, ठीक है, गुलाम मुस्तफ़ा को फिर वज़ीर आज़म बनाया। और 24 अक्टूबर 1990 को क्या हुआ था, आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया और बेनज़ीर का पहला दौर भी खत्म हो गया। कब खत्म हुआ था, 24 अक्टूबर 1990 में क्या हुआ था, इनका दौर फिर ख़त्म हो गया था, ठीक है। और ये दौर थी टाइम तक चला था, ये चला था तकरीबन 1 साल और 8 माह, मतलब बेनज़ीर भुट्टो ने जो अपनी पहली हुकूमत की थी ना वो 1 साल तकरीबन 1 साल और 8 माह मतलब उन्होंने हुकूमत की थी। उन्होंने मतलब ऐसा पाकिस्तान में उन्होंने ना वज़ीर आज़म के तौर पर काम किया था, कितने साल, एक कितने टाइम, 1 साल और 8 माह, ठीक है। तो उस सारे टाइम में ये उनके अहम वाक़ात थे, ठीक है, इनके दौर के जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये स्टूडेंट्स इस पर आपका नोट भी आ सकता है, ठीक है, और आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, और इसमें जो बहुत सी चीज़ें ऐसी जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए अच्छी तरह तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगला दौर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप ये देखिए, मतलब आप इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में आप अपने पॉलिटिशियंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सा पॉलिटिशियन आया और उसने किस किस तरह से हुकूमत की और उसने अपने दौर में क्या क्या काम किए, किस तरह के इकदाम किए, उसका मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ, नुकसान क्या हुआ, या किस तरह उनकी हुकूमत शुरू हुई और किस तरह ख़त्म होगी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है आपको ये चैप्टर, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से और इंफॉर्मेशन समझ के पढ़ें, ठीक है, रट्टा नहीं लगा। तो इंशाल्लाह फिर आपको अच्छा प्यार हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर कल के लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना डे सहना रखा करें और अपने गाँव में सबको याद रखा करें, अपने टीचर्स को भी याद रखा करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।